देश में रविवार को यानी 2 जून को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का आयोजन शहर के लगभग 38 केंद्रों पर आयोजित किया गया। परीक्षा में कुल 17,730 अभ्यर्थी शामिल हुए। आईएएस का सपना सजोए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही पहुंचने लगे थे। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा में पहली पाली में सामान्य अध्ययन व दूसरी पाली में सीसेट का परीक्षा संपन्न हुई। गौरतलब है कि हर साल लगभग 10 लाख युवा इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराते हैं। इनमें से मात्र 0.2% छात्र ही परीक्षा को पास कर पाते हैं। इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 1,000 लोगों में मात्र 2 लोग ही इस परीक्षा को क्लियर कर पाते हैं। परीक्षा के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतियोगी परीक्षार्थी और एडीएम सिटी व परीक्षा के नोडल अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया। ये आईएएस प्रीलिम्स का पेपर था और पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड टफ नहीं था। और क्वेश्चंस देखिए क्या होता है। विशाल कुमार, अच्छा हुआ पेपर। कैसा पेपर आया था, किस लेवल हाई लोग, मतलब अच्छा ही हुआ, जैसे पेपर हुआ मतलब ऐसे। आकांक्षा राय, अच्छा था, लेवल थोड़ा हाई था बट अच्छा था। मोहम्मद वारिस, पेपर ठीक था और थोड़ा सा टफ था लेवल, और बाकी जीएस टफ था, मिक्सअप था, ओवरऑल मॉडरेट था पेपर। जी नमिता धर दुबे जी, आज तो फर्स्ट हुआ प्रीलिम का और अभी इसके बाद सेकंड का होगा, तो पेपर तो ठीक आया था, जितना पढ़ा था उसमें से सारा आया हुआ था, और बाकी अब देखते हैं क्या होता है। ललित त्रिपाठी, पेपर आप टफ कह सकते हो क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है और कुछ स्किल बेस पे डिपेंड क्वेश्चन ज़्यादा थे, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हर बार पूछते हैं थोड़ा कम थे। एनसीईआरटी जो पढ़ के आएगा, जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन देखा जाए तो एनसीईआरटी को छोड़ के इकोनॉमी सेक्शन, वो भी करंट और स्किल बेस डिपेंड था पूरा, यही सारी चीज़ें थी। अभिलाषा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम थे और किस तरह के पेपर, मतलब पेपर संविधान से रिलेटेड ज़्यादा आए थे और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। आज आईएएस की प्रीलिमरी की परीक्षा हुई है, जिस जो गोरखपुर में 38 सेंटरों में हुई है और 17,730 परीक्षार्थियों ने इसमें अपियर होना था, जिसमें से 8,075 परीक्षार्थी प्रथम पाली में अपियर हुए थे। अभी सेकंड की सूचना हमारे पास आ रही है, तो इसके जो भी परीक्षा हुई है संपन्न हुई है, सक्सेसफुल हुई है, सुचितापूर्ण ढंग से हुई है और नकल विहीन हुई है, हर तरह से इंटीग्रिटी से परीक्षा गोरखपुर में संपन्न हुई है, कहीं कोई शिकायत।